कुलविंदर सिंह धामी हल्द्वानी दौरे पर रहे, जहां एफटीआई सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें बिजली संकट और पेयजल आपूर्ति पर मंथन हुआ। साथ ही सीएम ने फिल्टर प्लांट का निरीक्षण भी किया। इंडिया न्यूज से बात करते हुए सीएम धामी ने कहा कि जल्दी फिल्टर प्लांट का काम पूरा हो जाएगा, जिससे भविष्य में पेयजल की समस्या नहीं रहेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पूरी तरीके से एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं, आज लगातार धरातल पर उतर के सीएम साहब यहां पे निरीक्षण कर रहे हैं, फिल्टर प्लांट का भी निरीक्षण किया है। सर, पेयजल व्यवस्था जिस तरह की लड़खड़ा रही है, आज आपने फिल्टर प्लांट का निरीक्षण किया है, किस तरह के निर्देश हैं? नहीं, ये फिल्टर प्लांट का जल्दी से जल्दी काम पूरा हो जाएगा, और इसका काम पूरे होते ही जो है, जो हल्द्वानी शहर है हमारा, यहाँ पर पेयजल की जो आज बार बार हमको समस्या होती है, वो समस्या नहीं होगी, और अगले आने वाले कई सालों तक जो है यहाँ का पेयजल अच्छा रहेगा। सर, चाहे आचार संहिता हो या दूसरा समय हो, आप लगातार पूरी मॉनिटरिंग करते रहे, बिजली को लेकर हो चाहे वनाग्नि को लेकर हो, आज भी आपने एक बड़ी बैठक ली है, किस तरह के निर्देश है? क्योंकि बिजली संकट लगातार प्रदेश में गहराता जा रहा है, ऊर्जा प्रदेश कहा जाता है उत्तराखंड को, जबकि नहीं, वैकल्पिक रूप से जो स्थायी रूप से और अभी तात्कालिक रूप से जो समस्या है, दोनों ही प्रकार से हमने कहा है कि दोनों प्रकार से इस समस्या का स्थायी समाधान खोजा जाए। फिलहाल अभी वैकल्पिक व्यवस्था कुछ की जाए जिससे लोगों को परेशानी न हो, और उसके लिए दीर्घकालिक जो योजना बनानी है वो हमारे यूपीसील और पिटकुल दोनों मिलकर बनाएंगे। सर, चारधाम यात्रा में बद्रीनाथ से आ जा पाए हैं, किस तरह की स्थिति है, और जो श्रद्धालु बाहर से आ रहे हैं उनसे किस तरह की अपील आपकी? अभी चारधाम यात्रा पूरी बहुत अच्छे से चल रही है, सभी व्यवस्थाएं ठीक है, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। तो ये थे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जिन्होंने साफ तौर से बताया कि चारधाम यात्रा पूरी तरीके से व्यवस्थित चल रही है, और श्रद्धालुओं से भी उनकी अपील है कि चारधाम यात्रा में बेहतर दर्शन करें, और पेयजल संकट को लेकर, बिजली संकट को लेकर उन्होंने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं कि 24 घंटे मॉनिटरिंग करें, किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। हल्द्वानी से योगेश शर्मा, इंडिया न्यूज़।